तो आइए आप लोगों को मैं इसका प्रेशर टेस्ट कराता हूँ। ये टंकी का है और ये हमारा गीजर का है और ये बगल में फ्रेश पानी है, अभी मोटर बंद है तो इसमें पानी नहीं आएगा। हम दोनों प्रेशर चेक करा दिया तो आपने देखा काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये गीजर हो गया, ये आ रहा है पॉइंट, इसमें भी आ रहा है, ये देखिए। हाय गाइस, आज मैं बताऊंगा सारे नलों की जानकारी, कौन सा पॉइंट किस चीज़ का है। तो आइए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं ये बीच वाला, जो कि ये मेरा टंकी का पॉइंट है। वो ये हमेशा ही, अगर जो बड़ी किचन है तो आप उसमें थ्री वे पॉइंट बनेंगे तो आप उसमें डायरेक्ट टंकी गीजर का पॉइंट आएगा। और ये जो हमारा ऊपर है वो आरओ का पॉइंट हो गया। तो आइए हम आपको सही तरीके से बताते हैं क्या। ये हमारा जो सबसे साइड में है, ये हमारा फ्रेश पानी है जो मोटर चलने पर चलेगा। और ये जो हमारा है, ये हमारा टंकी का हो गया। और ये सबसे साइड में है, जो ये हमारा गीजर का पॉइंट है। और ये रहा हमारा आरओ का पॉइंट, आप आरओ लगा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह है। और बाकी ये रहे ऊपर दो गीजर के पॉइंट, एक इनलेट है या आउटलेट। इनलेट वाला ये है, आउटलेट ये है, जो कि नीचे आया हुआ मैंने आपको बताया था। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा ये नल कैसे लगाने हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी पॉइंटों के आपको प्लग खोल लेने हैं, जैसे कि मैं खोल के हटा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे लन लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही लगाने हैं। अगर जो आपके पास सिलाई रिंच है तो आप उससे नल को टाइट कर सकते हैं, नहीं तो आप और कोई रिंच लगाएंगे तो नल में स्क्रेच आ जाएंगे, जो कि कस्टमर फिर भड़क जाएगा क्योंकि वो इतने महंगे तो नल लेकर आता है। तो प्लीज़ आप लोग सिलाई रिंच से इसे टाइट करें। फ़िलहाल मैं तो इन्हें अपने हाथों से टाइट करता हूँ, सिलाई रिंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको नल कैसे लगाना है। तो ये देखिए, आपको ऐसे ही नल लगा लेने हैं सारे, जैसे कि मैं लगा के दिखाया। अब ये जो हमारा ऊपर का पॉइंट है, ये हमारा आरओ का पॉइंट है। आरओ में लगे या एंगल वाल देख रहे हैं, जैसे कि मैंने टाइट कर दिया तो यहाँ पे आरओ बाद में लगेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे।